एक बार सुर्पदमन नाम के एक राक्षस ने अपनी कठोर तपस्या से भगवान शंकर को खुश कर लिया। हम तुम्हारी तपस्या से खुश हुए हैं सुर्पदमन। मांगो, क्या वरदान मांगते हो? जय हो भोलेनाथ। धन्य भाग जो आपके दर्शन हुए। मुझे वरदान दीजिए कि मैं अजय हो जाऊं, कोई भी मुझे परास्त न कर सके। तथास्तु। मैं अजय हो गया, अब मुझे कोई भी नहीं हरा सकता। अब देवतागण बचकर कहां जाएंगे? शिव जी के इस वरदान से देवलोक पर मुसीबत आ गई। सुर्पदमन ने देवताओं को हराकर बंदी बनाना शुरू कर दिया। इंद्रदेव बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागे। राक्षस राज, सब देवताओं को बंदी बना लिया है। सिर्फ इंद्रदेव बच निकले हैं और दक्षिण भारत की पहाड़ियों में जाकर छिप गए हैं। उसको भी ढूंढ कर बंदी बनाओ। मैं कैलाश पर्वत जा रहा हूँ अपने इष्ट देव शंकर जी से मिलने। कहाँ भागे जा रहे हो वरुण देव? अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो रुक जाओ। मैं तुम्हें बंदी नहीं बनाऊंगा। सच? तुम भी और देवताओं की तरह बंदी नहीं बनना चाहते तो मेरा एक काम करो। काम? कैसा काम? मेरे प्रकोप से डरकर इंद्र दक्षिण भारत में कहीं छुप गया है। दक्षिण भारत वासियों ने उसे छुपाकर मुझसे गद्दारी की है, उन्हें इसकी सजा मिलेगी। तुम वहां मेघ ले जाना बंद कर दो, एक बूंद पानी भी वहां ना बरसने पाए। सूखे से तड़पेंगे तो इंद्र को मेरे हवाले कर देंगे। जैसा मैंने कहा है वैसा करो, वरना तुम भी। मैं मजबूर हूं, इस दुष्ट की आज्ञा माननी ही पड़ेगी। प्रकोप से पूरे दक्षिण भारत में सूखा पड़ गया।
वहाँ की बुरी हालत देखकर ऋषि अगस्त्य का मन भर आया और वो ब्रह्मा जी को खुश करने के लिए यज्ञ करने बैठ गए। ओम ब्रह्म देवताभ्यो नमः स्वाहा। 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 ओम ब्रह्म देवताभ्यो। ये कौन हमारा आह्वान कर रहा है? ओम ब्रह्म देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम ब्रह्म देवताभ्यो नमः स्वाहा। नमो ब्रह्मणे नमो ब्रह्मा नमो ब्रह्मा। आपका यज्ञ सफल हुआ मुनिवर। कहिए क्या चाहते हैं? प्रणाम ब्रह्मदेव। प्रभु, आप इस प्रदेश की हालत देख रहे हैं, पानी की एक बूंद नहीं है। इंसान, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे सब नष्ट हो रहे हैं। आप तुरंत कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के पास जाइए। उनकी जटा से गंगा बहती है, वही आपकी इच्छा पूरी कर सकते हैं। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। आज्ञा दीजिए प्रभु। अब मुनिवर ये जल लेकर दक्षिण भारत जाएंगे, क्यों ना हम भी चलें? मैंने दक्षिण भारत का प्रदेश नहीं देखा है। उनसे पूछो, वो हमें साथ ले चलेंगे। पूछने पर तो कभी नहीं ले जाएंगे। हम चुपचाप इनके पीछे पीछे चलते हैं। इतनी दूर तक तो मैं थक जाऊंगा प्रभु। आलसी कहीं का, चल बड़ा आनंद आएगा। Thank you.
वहाँ पशु पक्षी पानी के बगैर प्यासे मर रहे हैं और मुनिवर आराम करने बैठ गए। मैं तो थक गया चलते चलते। मुनिवर भी थके हुए हैं, कहीं सो गए तो ना जाने कितना समय व्यर्थ हो जाए। हाँ, परंतु हम क्या कर सकते हैं? हाँ, मुझे एक युक्ति सूझी है, तू यहीं बैठकर तमाशा देख। नहीं, अरे मूर्ख, ये क्या किया? मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया, काले मुंह के राक्षस, मैं तुझे श्राप देता हूं। अरे गणेश जी, आप क्षमा करें मुनिवर, समय नष्ट हो रहा था इसीलिए मैंने आपका कार्य आसान कर दिया। वो देखिए, धन्य हो प्रभु, मुझसे पहचानने में भूल हुई, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। नहीं मुनिवर, आपने तो पृथ्वी लोक के भलाई के लिए बहुत बड़ा कार्य किया है। युगों युगों तक ये कावेरी नदी इसी तरह बहती रहेगी और इसका जल प्राणियों को जीवन दान देगा।